आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया है अपने Google फोटोज के स्टोरेज प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे। देखिए Google फोटोज स्टोरेज कैसे काम करता है, तो आपके फोन के अंदर जो भी Google सर्विस आपको मिलता है ना, Google ड्राइव, Gmail, WhatsApp बैकअप जो होता है, क्लाउड बैकअप होता है, इवन जो आपका गूगल फोटोज, ये सबका स्टोरेज ना वही 15 GB होता है और हर एक ईमेल पे 15 GB स्टोरेज मिलता है। अब सोचिए उसमें सभी आप फालतू जी आपको फोटोज वगैरह बैकअप हो जाते हैं, बहुत सारे वीडियोस बैकअप हो जाते हैं बड़े बड़े फाइल के, तो आपका स्टोरेज बढ़ेगा कैसे नहीं। आप जो नॉर्मली रिकॉर्ड करते हैं गूगल फोटोज ऑटोमेटिकली वो बैकअप ले लेता है। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने फोन के अंदर गूगल फोटोज के अंदर भरे हुए स्टोरेज प्रॉब्लम को आप ठीक कर पाएंगे, साथ में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आपके जरूरी फोटोज डिलीट भी नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ टेक्निक बताऊंगा और आप अपने फ़ोन के अंदर स्टोरेज प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे। बाकी मेरा नाम संदीप है, आप चलिए इस वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो शेयर कर देंगे तो और लोग जानेंगे। और कमेंट में लिख देना है गूगल फोटोज स्टोरेज फुल प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ये आपको लिख देना है कमेंट में। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला काम आपको करना क्या है, फोटोज़ में जाइए। देखिए गूगल फोटोज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसमें अच्छे अच्छे फोटोज़ वीडियो वगैरह सेव वगैरह रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, कैसे फुल हो गया कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले गूगल फोटोज़ को ओपन करिए और यहाँ पे ना इस पर क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक करना है और ये फुल स्टोरेज वाला हमारे पास डिटेल आ गया। यहाँ पे ना एक ज़रूरी चीज़ है, थोड़ा सा पढ़ोगे ना यहाँ पे दिख जाएगा लार्ज फोटो एंड वीडियो, ये बहुत लोग यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है, बस इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे कितना है 12 GB ऐसे हमें दिखा रहा है, ब्लरी फोटो अदर ऐप ऐसे ऐसे दिख रहा है ना। चलिए लार्ज फोटो वीडियो पे क्लिक कर दें। लार्ज फोटो वीडियो पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे जैसे ये वीडियो क्या चीज़ का है बैकअप, तो एक बार यहाँ पे चेक कर लेना है कि भाई ये जरूरी वीडियो है या नहीं है, क्योंकि हम इसे डिलीट करेंगे। तो एक बार तो देखिए ये ऐसा कोई जरूरी है नहीं, तो इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे, क्लिक करके डिलीट कर देंगे। हमारा 1 GB तो ऐसे ही खाली हो गया, मूव टू ट्रैश कर देना है, ठीक है। फिर ये सिलेक्ट करके फिर डिलीट कर दीजिए, ये लगभग फिर से खाली हो गया 2 GB। ऐसे ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियो हैं, तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं क्या ज़रूरी है या नहीं है, ये सब अपना देख लीजिएगा। मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे इस तरह से डिलीट करते जा रहा हूँ। सो सिंपली मैंने 2 वीडियो सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे एक बगल से चेक कर लीजिएगा कहीं आपके ज़रूरी कोई वीडियो तो नहीं डिलीट हो रहे हैं, और सिंपली यहाँ से डिलीट कर देंगे। और वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा एक चीज़, मैं पक्का कर देता हूँ कि यहाँ पर जो हमें वीडियो दिख रहा है ना, जो हमें दिखा था 12 GB, वो सब अपलोडेड वाला ही दिखता है, ये मैं श्योर हूँ, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो हमारे मोबाइल के जो रिकॉर्डेड वीडियो है मतलब गैलरी वाला वो डिलीट हो रहा है, नहीं, ये हमारा अपलोडेड वीडियो डिलीट होगा, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब ये अभी मैं देखिए सब डिलीट करके फिर मैं अब कितना सिलेक्ट करूँ, अब इतना छोड़ देता हूँ, बाकी बाद में डिलीट करेंगे। लगभग 2.4 GB हो गया, लगभग ये मेरा 5 GB खाली हो जाएगा ये डिलीट होने के बाद। चलिए डिलीट, जिसको डिलीट होने से आपको एक बार देखना है तो ऐसे रोक के ना, इंटरनेट चाहिए होगा देखते वक्त, इंटरनेट चाहिए आपको, तो ये डिलीट कर दीजिएगा। जैसे ये देखिए कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं इसे डिलीट कर दूंगा तो, क्योंकि जो मेरा काम था इससे हो गया, तो ये चीज़ है। चलिए बाहर आइए। अब एक चीज़ आप ध्यान दोगे, जो हमने डिलीट कर रहे थे ना, जो यहाँ पे हम डिलीट कर रहे थे, ये देखिए डिलीट करने के बाद ना मूव टू ट्रैश आता है, डिलीट का ऑप्शन नहीं आता है, ट्रैश, तो मतलब अब ये ट्रैश में जा रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा जो इस तरह से था 4.6 GB खाली हो गया, पहले रेड दिखा रहा था लेकिन अभी और खाली होगा, अभी इतना ही दिखा रहा है ना, पहले भी देखिए यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हमें ना कलेक्शन देखने के लिए मिल रहा है, या आपको लेबल्स वगैरह ऐसे दिखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जाने के बाद आपको ट्रैश दिख जाएगा, ट्रैश पे क्लिक करिए और ये हमारा बहुत सारा वीडियो है। यहाँ पे डिलीट ऑल देखने के लिए मिल रहा है, एक बार और आपको चांस मिलता है दोबारा चेक करने का, ये जरूरी वीडियो तो नहीं था, ये एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए मेरा ऐसा कोई ज़रूरी वीडियो था नहीं, ये मैं डिलीट ऑल कर दूंगा, डिलीट ऑल, अब ये हमारा फाइनल डिलीट हो रहा है गूगल ड्राइव, जो कि हमारा गूगल फोटोज़ में ये सेव था। डिलीट, ओके, अलाउ कर देना है, अब हमारा डिलीट हो गया, परमानेंटली डिलीटेड। तो
अब हमारा स्टोरेज देखेंगे, जो हमारा यहाँ पे फुल हो गया था, ये आप देख सकते हैं इतना हमारा खाली हो गया। पहले ये रेड था, अभी हमारा ओके है। वैसे यहाँ पर आप ठीक से देखोगे ना तो यहाँ पे बताता है गूगल फोटोज़ के अंदर अभी भी 7.9 GB बढ़ा हुआ है और ड्राइव जीमेल मिला के 2.4 GB बढ़ा हुआ है। वैसे अभी मैं और खाली कर सकता हूँ स्पेस को, इस पर क्लिक फिर से मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे लार्ज फोटो एंड वीडियो, इस पर क्लिक करके फिर सेलेक्ट करके फिर मैं डिलीट करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से 722-23 MB हो गया। देखिए ऐसे ऐसे बहुत सारे फालतू के वीडियो हैं जिसको कि मैंने बैकअप भी नहीं किया, ये ऑटोमेटिक हो गया था बैकअप। तो डिलीट, फिर डिलीट करेंगे, फिर कलेक्शन पे जाएंगे, ट्रैश पे जाएंगे, फिर सेलेक्ट डिलीट ऑल, डिलीट डिलीट डन। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा चीज़ है। अब यहाँ पर अपने ज़रूरी फाइल फ़ोटो सेव कर सकते हैं। एक टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा, अब यहाँ पे जाते हैं ना तो वेट, ये हमारा गूगल फोटो है, गूगल फोटो है तो यहाँ पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे गूगल फोटो सेटिंग में जाइए, बैकअप पे जाइए, बैकअप को चालू करते हैं ना जब, तो बैकअप पे चालू करने के बाद बैकअप क्वालिटी को ना कभी भी आप ये एक्सप्रेस करके रखो, नहीं तो स्टोरेज सेवर करके रखो। इसमें होगा क्या, कोई फ़ोटो वगैरह बैकअप भी होगा ना, ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा, आपके 10,000 फ़ोटो भी ना 15 GB में बैकअप हो सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं फ़ोटो को कंप्रेस कर देता है, तो MB हमारा कम हो जाता है। लेकिन इन चीज़ों को बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं। और मोबाइल डाटा यूजेज में ना 30 MB कर दीजिएगा, तो यहाँ पर आपके डाटा कभी भी ज़्यादा खर्च नहीं होंगे। नहीं तो बहुत बार होता है क्या, मोबाइल का डाटा ख़त्म हो गया, कैसे ख़त्म हो गया पता नहीं चलता है। तो चलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिए, और उम्मीद है कि आप अपने फ़ोन के अंदर ये जो आपका इस तरह से स्टोरेज भर गया था गूगल फोटोज़ के अंदर, वो आप डिलीट कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और ये वीडियो शेयर कर दीजिए, और कमेंट में लिख देना है बेस्ट ट्रिक या नाइस ट्रिक, ये कमेंट में लिख दीजिए बेस्ट ट्रिक या नाइस ट्रिक। चलिए थैंक यू, मिलते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, बाय।